हाँ जी 106.4 रेडियो ऑरेंज की मैं आज दीवानी दिव्या आपके साथ, और दीवानी अपनी दीवानी वाली बातें करने के लिए ना, दिव्या दीवानी की दिव्या दीवानी वाली बातें करने के लिए पहुंच गई है एक स्पेशल जगह। मेरे साथ है सुमित सांगवान जी। मतलब इनके बारे में मैं क्या कहूँ यार, अगर इंडिया का नाम रोशन हो रहा है ना तो इन जैसे लोगों की वजह से हो रहा है। अगर मैं बात करूँ, एशियन चैंपियनशिप 2017 में सिल्वर जीता, फिर उसके बाद काफिला बढ़ता चला गया, जैसे कि 2011 में, फिर उसके बाद 2012 में, है ना। तो सुमित हाय बोल दो जितने भी लोग अभी देख रहे हैं। हेलो। दीवानी दिव्या की दीवानी बातें ना सिर्फ ऐसे लोग ही झेल सकते हैं, क्योंकि आज हमने एक इंटरव्यू तो कर लिया, लेकिन अब कुछ ऐसे सवाल करने वाली हूं जिसके जवाब इनको देने ही पड़ेंगे। ठीक है, रेडी? ओके। तो अगर सुमित तुम्हारी बायोपिक बनेगी तो क्या चाहते हो, कौन उस बायोपिक का हिस्सा हो, कौन एक्टर उसे प्ले करे? अक्षय कुमार। ऐसा क्यों, कौन सी मूवी अक्षय कुमार की पसंद है? खिलाड़ियों की काफी मूवीज आई थी। हाँ। तो फेवरेट है मेरे। ठीक है, और इनकी फिजिक देखकर भी लग रहा है कि अक्षय कुमार ही उनकी बायोपिक कर सकते हैं। तो और सुमित, अगर मैं पूछूं कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अब स्पोर्ट्स में बदली हैं, जैसे कि पहले होता था ओलंपिक्स पे ज्यादा ध्यान दिया जाता था, बट अब पैरा ओलंपियंस पे भी ध्यान दिया जा रहा है, तो उसके बारे में क्या कहोगे? नहीं, काफी अच्छा रिजल्ट लेके आए हैं पैरा ओलंपिक के खिलाड़ी जितने, मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ, और वो काफी अच्छा कर रहे हैं। हाँ। एंड साथ साथ में गवर्नमेंट भी काफी सपोर्ट कर रही है पैरा ओलंपिक्स को, और सभी खिलाड़ियों को बड़ा सम्मान और रिस्पेक्ट मिल रही है हर जगह पे, तो बेस्ट विशेस है उनके लिए। हाँ। वो अच्छा कर रहे हैं, काफी अच्छा कर रहे हैं। हाँ। और सुमित, बहुत सारे ऐसे स्पोर्ट्स हैं जिसमें की फैसिलिटीज पहले नहीं इतनी मिलती थी, पर अब बहुत ज्यादा फैसिलिटीज मिलने लगी है। हाँ। अब गवर्नमेंट बहुत ज्यादा सपोर्ट करने लगी है स्पोर्ट्स को, उसके बारे में क्या कहोगे? नहीं, बिल्कुल, हर लेवल पे अभी गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, लाइक ग्रास लेवल पे भी खिलाड़ियों को जाके उनको जागरूक कर रही है, उनके पेरेंट्स को बता रही है स्पोर्ट्स के क्या बेनिफिट्स हैं। हाँ। तो ये काफी अच्छा, इसी के अकॉर्डिंग अभी रिजल्ट भी हमें वैसे अच्छे मिल रहे हैं, एशियन लेवल पे या ले लो या कॉमनवेल्थ या फिर वर्ल्ड लेवल पे, और ओलंपिक्स में भी आप हर चार साल बाद जितने भी मेडल्स बढ़ते जा रहे हैं। हाँ। लड़कियां भी काफी, लड़कियां इवन ज्यादा अच्छा कर रही हैं देखा जाए तो। Yes. तो ये काफी एक पॉजिटिव चेंज आया है और हाँ, काफी अच्छा है। बिल्कुल बिल्कुल, ये चेंज तो बहुत अच्छा आया हमारे इंडिया में। लेकिन अगर मैं थोड़ा हट के बात करूं, मतलब सुमित की फैन फॉलोइंग तो हमें पता ही है, ठीक है, तो लड़कियां जब मैसेज करती हैं तो कैसे कैसे मैसेज करती हैं सुमित को, वो बताओ। अभी सुमित, हाँ बताओ। मैं अपनी ट्रेनिंग में बिजी रहता हूँ एक्चुअली, मैं इंस्टाग्राम या फिर और भी जो सोशल साइट्स हैं वो इतना ज्यादा यूज नहीं कर पाता, और सुबह से मैं अपना ट्रेनिंग पे बिजी रहता हूँ, अपनी फैमिली को टाइम देता हूँ। हाँ। तो इन सब चीजों में अपना टाइम, ये इसलिए ऐसा कह रहे हैं क्योंकि बिल्कुल बगल में इनकी वाइफ खड़ी है तो इसीलिए ये चुप है, लेकिन हाँ हमें पता है कि बहुत सारी लड़कियां इनको मैसेज जरूर करती है, सुमित बस एक रिप्लाई कर दो ना। लेकिन हाँ चलो, सुमित और बात करें तुम्हारे वर्क शेड्यूल की, तो वो कैसा रहता है सुमित का वर्क शेड्यूल? मतलब 2 घंटा सुबह और कम से कम 3 घंटे शाम को वर्कआउट करते हैं ये, है ना? हाँ जी, ये रहता है, सुबह शाम वर्कआउट होता है, ये 2-3 घंटे सुबह 2-3 घंटे शाम को। हाँ। और ये अकॉर्डिंग हमारे कोचेस जो हमें गाइड करते हैं, हम उनके अकॉर्डिंग चलते हैं, वैसे ही डाइट प्लान भी होता है कि जो एक हमारे स्पोर्ट्स के जो न्यूट्रिशंस होते हैं वो गाइड करते हैं, वैसे हम अपनी डाइट। बिल्कुल, ऐसी डाइट फॉलो करते हैं, ऐसे ही नहीं इतने हट्टे कट्टे रहते हैं, मतलब आप समझ रहे हो, बर्गर पिज्जा से कुछ नहीं होता, देसी घी खाओ तब होता है ऐसे ऐसे धुरंधर वाले काम। लेकिन हाँ, अगर मैं सुमित तुमसे पूछूं, जाते जाते तो कॉम्पिटिशन्स आ रहे हैं बहुत सारे, ठीक है, सुमित की तैयारियां कैसी कैसी चल रही है और कौन से मेडल्स अब हम लेकर आने वाले हैं? अभी कॉमनवेल्थ एशियन गेम्स आ रहे हैं नेक्स्ट ईयर, तो तैयारियां अच्छी चल रही हैं, अपनी तरफ से पूरा एफर्ट करूं और अपने आप को फिट रखूं उसके लिए, तो बस अब यही है, और अभी आगे कैंप लग रहे हैं, टीम स्टडी होंगी, तो अब अपने आप को उन सब चीजों के लिए रेडी कर रहा हूं। बिल्कुल रेडी कर रहे हैं ये तो, लेकिन आप अपने आप को रेडी कर लीजिए दीवानी दिव्या की ये दीवानी बातें। और कभी सोचा था सुमित की जिंदगी में इतने साल इतना काम किया यहाँ तक पहुंचे, कभी सोचा था कि दीवानी दिव्या से मिलने का मौका मिलेगा? नहीं नहीं, मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था। ये तो और काम नहीं था एक्चुअली, मेरा इंटरेस्ट था स्पोर्ट्स में, और कभी ऐसा लगा नहीं काम है भी नहीं एक्चुअली, तो मेरा इंटरेस्ट है, मैं खेलता रहता हूँ, मुझे अच्छा लगता है रिंग पे रह के फाइट करना। हाँ। और वो ये एक
एक काम भी बन गया तो एक अच्छी बात है कि आप हाँ. आप जो कर रहे हो वही आपका काम है, वही वही आप एंजॉय करके कर रहे हो, तो इससे बेटर कुछ हो नहीं सकता. यस, तो बॉक्सिंग के कुछ कुछ स्टंट्स मैं भी सीख कर जाऊंगी कि कैसे मैं अपने आप को सेफ कर सकती हूँ और लड़ सकती हूँ कुछ लड़कों से. लेकिन हाँ, आप सुनते रहो रेडियो ऑरेंज, कुछ खट्टा कुछ मीठा.